पानी का नल है, देखिए ये सूखा पड़ा हुआ है, पानी आ नहीं रहा है। पानी की तलत को 3 दिन हो गए आज। मैं पीने के लिए पानी नहीं है। पानी आ रहा है गंदा सीवर का पानी। केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर पाइपों में मरम्मत नहीं करी और इलीगल टैंकर माफिया के साथ उनकी साठगांठ है। दिल्ली की जनता को पानी, जब हरियाणा दे देगा तो मिल जाएगा, कोशिश करिए। समस्या के समाधान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। राजधानी पर दोहरी आफत देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ ताबड़तोड़ गर्मी से लोगों की हालत बेहाल हो गए हैं लोग, वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती और जल संकट से लोगों का अब जीना मुहाल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। हाई पारे के बीच जल स्तर लो है और बिजली गुल, सियासत जारी है और व्यवस्थाएं ठप। लोगों के मन में सवाल है और जवाब किसी के पास नहीं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासी दोहरी मार से गुजर रहे हैं, पहले जल संकट और अब बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बूंद बूंद को तरस रही दिल्ली में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पहले तो पानी की कमी हुई, लोगों को लाइन में लगना पड़ा, टैंकरों के पीछे भागना पड़ा। वीआईपी इलाके भी जल संकट की चपेट में आ गए और अब बिजली की कटौती ने दिल्ली वासियों के लिए परेशानियों का दोहरा शतक लगा दिया है। एक तरफ दिल्ली वासी परेशान है तो वहीं दिल्ली सरकार पहले तो आरोप लगाने में व्यस्त थी और उसके बाद नीट को लेकर प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आई, लेकिन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। दिल्ली सरकार के इसी रवैये के खिलाफ बीजेपी ने आज अपना विरोध जताया। तो राजधानी दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, लेकिन समाधान कोई निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी भी लगातार सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं, हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अगर उन्होंने पानी नहीं छोड़ा होता तब मैं गलती मानता, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी लंबित है, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रदर्शन और दूसरी तरफ ये सियासत। लेकिन सवाल यहीं पर आकर टिक जाता है कि आखिर दिल्ली की जनता को पानी कब मिल पाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि हर साल दिल्ली में जल संकट होता है, लेकिन दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर केवल सियासत कर रही है। और दिल्ली सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण है, दिल्ली की जरूरतें महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पानी की कालाबाजारी, टैंकर माफिया, जिनको पालने का काम दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक कर रहे हैं, वो एक मूल कारण है दिल्ली में पानी की समस्या का। वरना हरियाणा सरप्लस पानी दे रहा है, कल हमने दस्तावेज के साथ साबित किया। एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर राज तो जरूर भोग रही है, लेकिन एक दशक से कोई काम नहीं कर रही, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रही है। प्रेस वार्ताओं को छोड़िए और ग्राउंड पर आकर जरा काम करिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के नाते दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालते? उन्होंने कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि समस्या के समाधान में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। केजरीवाल की राजनीति केवल आरोप आरोप और आरोप पर टिकी हुई है। 10 दिनों से लोग जल संकट से जूझ ही रहे थे कि बिजली कटौती होने लगी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली की मांग चरम पर है, हर रोज बिजली की मांग के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मंगलवार को ये मांग अधिकतम 8,647 मेगावाट तक पहुंच गई, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों की बात करें तो इससे पहले 22 अगस्त 2023 को बिजली की अधिकतम मांग 7,438 मेगावाट है। 29 जून 2022 बिजली की अधिकतम मांग 7,695 मेगावाट रही। 29 जून 2021 बिजली की अधिकतम मांग 6,753 मेगावाट थी। 29 जून 2020 बिजली की अधिकतम मांग 6,314 मेगावाट रही है। दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि एक साथ कई संकट आन पड़े हैं। एक तरफ पहले ही पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, अब साथ ही साथ इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती भी शुरू हो चुकी है, बिजली की खपत भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दिल्ली वासी अब चौतरफा घिर चुके हैं, जहाँ एक तरफ भीषण गर्मी, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान, पानी और साथ ही साथ अब बिजली कटौती भी।
शुरू हो चुकी है। दिल्ली में एक तरफ बिजली कटौती तो दूसरी तरफ जल संकट, देश की राजधानी में बने ऐसे हालात चिंताजनक तो है ही, लेकिन सवाल भी है उस सरकार से जिसके हाथ में दिल्ली की कमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं, इसमें आप सिलसिलेवार तरीके से समझ पाएंगे कि राजधानी दिल्ली किस कदर दोहरी मार को झेल रही है। पहले आप देखिए बीजेपी का प्रदर्शन, लगातार वो आम आदमी पार्टी को घेर रही है और ये कह रही है कि इतना बड़ा धोखा दिल्ली की जनता के साथ आखिर क्यों किया। पानी के लिए हाहाकार इस कदर है कि पानी के टैंकर पहुंचते हैं और कुछ ही देर में खाली हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए आतिशी ने कह दिया कि अगर 21 जून तक पानी नहीं मिला तो वो अनशन पर बैठ जाएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आतिशी ने चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली की जनता को पानी मुहैया करवाया जाए। वीवीआईपी जो इलाके हैं, आप सोचिए जो लुटियां से जोन वाली दिल्ली है, वहां पर भी लोग एक एक बूंद के लिए परेशान हैं, हताश हैं। लगातार हरियाणा से कहा जा रहा है कि आप पानी दीजिए, हरियाणा कह रहा है हमने पानी दे दिया है। मुनक नहर पर हम देख रहे हैं सुरक्षा कर्मी लगातार दबिश दे रहे हैं, लेकिन पानी कब मिलेगा ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और इसी